हेलो दोस्तों, तो आज मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड की मेहंदी में। देखिए पीछे साइड में मेरी फ्रेंड बैठी हुई है एंड यहाँ पर मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने ही वाला था जो मैं पहुँच गई। एंड यहाँ पर देखिए जो मेहंदी लगाने वाले हैं वो भी आ चुके हैं। सजावट काफ़ी अच्छी हो रखी है। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर जो डोर ओपन हो रहा है ना बाहर की तरफ, तो यहाँ डांस एंड संगीत का प्रोग्राम रखा गया है। तो अभी लोग ज़्यादा आए नहीं हुए हैं बट काफ़ी सारे लोग आ भी चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप यहाँ पर देख ही रही हैं। सजावट बहुत ही ज़्यादा अच्छी की गई है। सो अभी जो डिज़ाइन थे ना वो फाइनल हो रहे थे कि कौन से डिज़ाइन लगने हैं, तो यहाँ पर डिज़ाइन फाइनल हो गए हैं। सो यहाँ पर मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है एंड जो मेरे फ्रेंड के चेहरे की खुशी है ना वो आपको खुद ब खुद नज़र आ रही होगी। भगवान करे ऐसे ही खुशी इसकी लाइफ में हमेशा बनी रहे, क्योंकि आज इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डे है और आज के दिन वो और भी ज़्यादा प्रेटी लग रही है। हालांकि उसने कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ है, केवल लिपस्टिक लगाई है, काजल, इयररिंग, मांगटीका, बस इतना ही उसने मेकअप में किया हुआ है। एंड यहाँ पर देखिए मेहमान काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर संगीत और डांस का फंक्शन भी स्टार्ट होने ही वाला है। इसलिए देखिए औरतें भी आ चुकी हैं, लड़कियाँ भी आ चुकी हैं, साइड में डीजे भी लगे हुए हैं डांस के लिए। सो अभी थोड़ी देर में डांस स्टार्ट हो जाएगा। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा डांस किया था बट मैं अपना सूट तो खुद से कर नहीं सकती थी, इसलिए मैं सूट नहीं कर पाई। बट यहाँ पर मैंने लड़कियों से एक दो क्लिप ली थी अपनी डांसिंग की, तो उसे मैं ऐड कर दूंगी। एंड यहाँ पर देखिए वीडियो शूटिंग फोटोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड का जो ओवरऑल लुक था ना, इसने नीचे की तरफ स्कर्ट पहना, ऊपर की तरफ पेपलम टॉप एंड उसके ऊपर चुन्नी लगा रखी है। तो इसका जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है बट आप देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। इस तरीके से सिंपली ही रहती है। एक्चुअली में हम सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहते थे, मेकअप स्टार्टिंग से ही नहीं करते थे। हम लोग स्कूल टाइम के फ्रेंड हैं, 8th में जब हम पढ़ते थे तब से हमारी दोस्ती है और अभी हमारी पढ़ाई लगभग ख़त्म ही हो चुकी है, तो काफ़ी पुरानी फ्रेंडशिप है हमारी। एंड यहाँ पर देखिए डांस का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा इंजॉय कर लीजिए। सो गाइस, डांस के प्रोग्राम में ऐसा होता है ना कि लोग डांस में कम और एक दूसरे को खींचने में ज़्यादा लगे होते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं? यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा यही हो रहा था, आओ तुम भी डांस करो, आओ तुम भी डांस करो, अपने डांस करना ही लोग भूल जा रहे थे, एक दूसरे को खींचने में ही रह जा रहे थे। जो डांस का फंक्शन है काफ़ी लंबे टाइम तक चला था। इसके पहले मैंने भी डांस किया था बट मैं शूट नहीं कर पाई थी। एंड इसके बाद से इन लड़कियों ने डांस किया, काफ़ी सारे लोगों ने डांस किया था, फिर लेडीज़ लोग का डांस शुरू हुआ। फ्रेंड के हाथों में मेहंदी है वो लग गई है। देखिए इस तरह से इसके डिज़ाइन बन के आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है बट मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लग रहे थे। इस मेहंदी के डिज़ाइन के लिए इसने 5000 पे किए थे जो मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे। एंड यहाँ पर देखिए इसके पैर में मेहंदी की डिज़ाइन लग रही है। आपके शहर में मेहंदी के चार्ज जो भी होंगे, हमारे यहाँ 5000 काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हम लोग बहुत बिग सिटी में तो रहते नहीं है, बलिया काफ़ी छोटा सा ही शहर है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग इतना प्राइस काफ़ी है। सो आप में से हो सकता है काफ़ी सारे लोग ये बोले कि ये तो बहुत ही कम में लग गया है, तो भाई हमारे यहाँ इतने में ही लगते हैं। सो यहाँ पर देखिए आंटी लोग का जो डांस के प्रोग्राम थे ना वो चल ही रहे थे। सो यहाँ पर सभी लोग डांस कर करके देखिए काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं बट अभी डांस का प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ। लगभग मैंने बोला ना रात के 10 बजे तक प्रोग्राम चल ही रहे थे, शाम के 5 बजे से शुरू हुए थे। मैं 4 बजे पहुँच गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे थोड़ा सा पहले बुलाया हुआ था। सो यहाँ पर फ्रंट की जो हाथ की मेहंदी थी वो लग चुकी है, बैक साइड में लग रही है। और ये जो डिज़ाइन है आप देख ही रही हैं, काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ डिज़ाइन है।
अभी जो मैंने डांस किया था वो आप देख लीजिए, क्योंकि मेरा लास्ट का डांस किसी ने शूट किया हुआ था, वही मुझे मिला, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, बट फिर भी आई होप कि आपको पसंद आए। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये मेहंदी का फंक्शन था, इसके बाद से वेडिंग का जो ब्लॉग होगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।